हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन के ऊपर, जिसे हम हिंदी में व्यावसायिक संगठन व संचार कहते हैं. ओके, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आ जाएंगे. लेकिन यदि आप प्रिपेयर करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को, तो डेफिनेटली आपकी ग्रेडिंग जो है वो बहुत अच्छी आएगी. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, हम यूनिट वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए भी इजी रहे उन्हें प्रिपेयर करना. सो फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्यवसाय का अर्थ बताइए, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए. व्यवसाय का अर्थ, दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है, एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस, उसकी विशेषताएं आपको बतानी है. बहुत आसान है. बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज अ प्लेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मेड फॉर प्रॉफिट अर्निंग. बिजनेस, व्यवसाय क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे आप क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का लेन देन करते हैं. किस पर्पस के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लाभ कमाने के लिए जो है आप बिजनेस करते हैं. तो वही आपको लिखना है. बहुत आसान है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज व्यवसाय के 5 प्रमुख कार्य का विवेचन कीजिए. एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शंस ऑफ बिजनेस. बिजनेस के कोई भी 5 फंक्शंस आपको बताने हैं. बहुत सारे हैं. जैसे बिजनेस का एक फंक्शन ये भी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. दैट अनदर अगर बात करें, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग. बहुत सारे फंक्शन हैं, आप किन्हीं 5 को एक्सप्लेन कर सकते हैं. एग्जाम में हो सकता है आपकी मार्किंग के हिसाब से फंक्शंस ज़्यादा या कम पूछ लिए जाए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज प्रवर्तन की परिभाषा दीजिए. ओके, प्रवर्तन दैट मीन्स प्रमोशन. डिफाइन प्रमोशन. एक व्यवसायिक इकाई को प्रारंभ करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? आपको प्रमोशन को एक्सप्लेन करना है. और इसके अलावा एक और क्वेश्चन उसमें एड ऑन किया गया है, दैट इज व्हाट थिंग्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल स्टार्टिंग बिजनेस यूनिट. किसी भी बिजनेस यूनिट यानी व्यवसायिक इकाई को स्टार्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप अगर कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले, क्या मेरे पास ऐसी प्लेस है जहाँ पे मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? यस. दूसरा, क्या मेरे पास इतना अमाउंट है जिससे वह ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स वह यूनिट स्टार्ट हो सकता है? मेरा इन्वेस्टमेंट का सोर्स क्या रहेगा? अगर मेरे पास खुद का कैपिटल नहीं है तो मैं कहाँ कहाँ से अरेंज करूँगा? ऐसे ही कुछ बातें जो हैं आपको डिस्कस करना है. इन चीज़ों का ध्यान रखना है बिजनेस यूनिट स्टार्ट करते समय. ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिट फर्स्ट. अब यूनिट सेकंड की बात करें, इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस दिख रहे हैं. डेफिनेटली यूनिट सेकंड थोड़ी सी बड़ी है, बट बहुत आसान है हमारी. ऑलरेडी अगर हम 11th 12th में हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो हमारी ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्यापारिक संगठन के मुख्य रूपों का वर्णन कीजिए. दैट मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मेन टाइप्स क्या होते हैं, उनको आपको बताना है. इसके विशिष्ट लक्षण क्या हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय संगठन के प्रारूप के चयन के किन सॉरी चयन में किन घटकों को ध्यान में रखना चाहिए? व्हाइल डिजाइनिंग या फॉर्मिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, विच फैक्टर्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन बना रहे हैं, तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो संगठन बनाते समय? हो सकता है डिजाइनिंग वर्ड आ जाए आपके क्वेश्चन में, इंग्लिश की बात करें. हो सकता है फॉर्मिंग आ जाए. आपको लैंग्वेज को ईजिली समझना है. क्वेश्चंस लगभग आसपास ऐसे ही आएंगे, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज रहेगी. ओके, तो व्हाइल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. अब हम बात करें हमारे थर्ड क्वेश्चन की, दैट इज एकाकी व्यापार. क्या होता है एकाकी व्यापार? दैट इज सोल ट्रेडरशिप. एकाकी व्यापार से आप क्या समझते हैं? एकाकी व्यापार का भविष्य अथवा एकाकी व्यापार के
सामाजिक एवं आर्थिक उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो सोल ट्रेडरशिप एकाकी व्यापार क्या होता है ये आपको लिखना है, और दूसरा वो पूछ रहे हैं कि सोल ट्रेडरशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। अब फ्यूचर क्या रहेगा उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए सोल ट्रेडरशिप क्या है, क्या होता है एकाकी व्यापार। जब कोई सिंगल पर्सन, एकल पर्सन जो है, एकल व्यक्ति जो है बिजनेस स्टार्ट करता है, खुद ही चलाता है, प्रॉफिट का हकदार भी वही रहता है, रिस्क भी वही बियर करता है, उसे हम बोलते हैं एकाकी व्यापार। तो इसका फ्यूचर क्या रहेगा वो आपको एक्सप्लेन करना है, ओके। और इसके अलावा इकोनॉमिकली और सोशली जो है इसकी क्या उपयोगिता रहेगी, है ना। तो आपको इन चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, साझेदारी को परिभाषित कीजिए। साझेदारी दैट मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस की यहाँ पे बात हो रही है, ओके। जैसे कि इंग्लिश में दिया हुआ है डिफाइन पार्टनरशिप, और इसकी विशेषताएं तथा गुण दोष बताइए। आपको इसको इम्पोर्टेंस भी बताने हैं, गुण भी बताने हैं और दोष भी। दैट मीन्स इसकी इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये सब आपको डिस्कस करना है। अब पार्टनरशिप की बात करें स्टूडेंट्स, तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो है बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, ओके, किसी कॉमन पर्पस के लिए, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं, रिस्क डेफिनेटली कम रहेगी। सोल ट्रेडरशिप में रिस्क क्या रहती है, ज़्यादा रहती है क्योंकि सिंगल पर्सन है। वही पार्टनरशिप में रिस्क क्या रहेगी, कम रहेगी क्योंकि जो है काम जो है लोगों में बटा रहेगा, पार्टनर्स में। सो आपको डिफाइन करना है पार्टनरशिप बिजनेस, ओके। पार्टनरशिप की एक्ट कौन सी है स्टूडेंट्स, यस 1932, यस। और आपको जो है यहाँ पे कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आता है और वो ज़्यादा मार्क्स का है, तो डेफिनेटली आपको अगर मीनिंग आ रहा है और यदि आपको डेफिनेशन अच्छे से पता है, अगर आप मोस्टली मीनिंग के साथ डेफिनेशन लिख के आते हैं एग्ज़ाम में, देन डेफिनेटली आपकी मार्किंग जो है बहुत अच्छी होगी। तो आप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उसकी क्या डेफिनेशन होती है ये भी आप उस वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो योर मार्किंग विल बी गुड इन दैट। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकेंड यूनिट। सहकारी संगठन की को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताएं बताइए। सहकारी संगठन दैट मीन्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और इसके फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करना है। अब क्या होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यस, जब दो से अधिक लोग जो है मिलकर वॉलेंट्री, मतलब अपनी इच्छा से मिलकर जो है कुछ बिजनेस करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, कोई संगठन बनाते हैं, उसे हम कहेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें जो है 10 मेंबर्स जो है होने चाहिए, ठीक है। दैट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी विशेषताओं को आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ हुई हमारी यूनिट सेकेंड के क्वेश्चंस कवर्ड। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही कम सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं ये, संयुक्त कंपनी की परिभाषा दीजिए। संयुक्त कंपनी दैट मीन जॉइंट स्टॉक कंपनी, तथा इसकी विशेषताएं बताइए। इसकी विशेषताएं आपको बताना है, दैट मीन्स कंपनी क्या होती है और उसके फीचर्स। अब कंपनी क्या होती है, कंपनी को क्या बोला गया है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल क्यों कहा गया है, यस, क्योंकि ये काम जो है एज अ पर्सन ही करती है, बट हमें फिजिकल रूप में कभी दिखाई नहीं देते। इसके पीछे जो लोग काम करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स काम करते हैं, सो दैट इज़ वाई उसे आर्टिफिशियल कंपनी कहा गया है, ठीक है। सो कंपनी बहुत आसान होती है स्टार्ट करने में, यस, कि डिफ़िकल्ट होती है, आसान होती है। अब जो है प्रोसीजर्स जो है थोड़ा सा, क्योंकि वन पर्सन कंपनी, अब जो है ऐसा भी हो गया है एक पर्सन भी कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। आपको याद हो तो हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज देखा है, उसमें होती है आपकी वन पर्सन कंपनी भी। तो जो है आपको यहाँ पे डिफाइन करना है स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है और उसके फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रकार की कंपनी बनाई जा सकती है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज 2013, अभी जो एक्ट चल रहा है वो 2013 है,
उसके अकॉर्डिंग कंपनी के क्या टाइप्स होते हैं, जो जैसे कि अभी मैंने एक टाइप आपसे डिस्कस किया दैट इज 1% कंपनी, तो अलग अलग बेसिस पे कंपनी का क्लासिफिकेशन हो सकता है। फिर लायबिलिटी के हिसाब से होता है ना, गारंटी के हिसाब से कंपनी का डिवीजन हो सकता है, शेयर्स के हिसाब से कंपनी का डिवीजन हो सकता है, फिर मेंबरशिप के हिसाब से प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसे आप नोट कर लीजिए कि ये आपको प्रिपेयर करके जाना ही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। वॉट इज इम्पैक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ऑन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पे मल्टीनेशनल कंपनीज जो काम कर रही हैं उनका क्या इम्पैक्ट है। ओके, जो बाहर की कंपनी है जो अलग अलग देशों में काम करती हैं उनका क्या इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पे, उस पे जो है आपको व्याख्या देनी है। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा यूनिट थर्ड। अब हम यूनिट फोर्थ की बात करते हैं। यूनिट फोर्थ में क्या दिया हुआ है आपको, संचार से आप क्या समझते हैं, संचार दैट मीन्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, इसके तत्व प्रकृति एवं उद्देश्य को समझाएं। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैं आपसे क्या कर रही हूँ, संचार कर रही हूँ, कम्युनिकेशन कर रही हूँ, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, इमोशंस, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन, उसे हम संचार या कम्युनिकेशन कह सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करना है। फिर प्रबंध में संचार के महत्व का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन आपको किस तरीके से हेल्पफुल रहता है। डेफिनेटली अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन है तो आपका काम जो है बहुत बेहतर चल सकता है, स्पेशली अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। दैट मीन्स कि टॉप लेवल वाला जो बॉस है वो सेकेंडरी दैट इज़ मिडिल लेवल को अपनी बात बताएगा, मिडिल लेवल वाला लोवेस्ट लेवल को, और जो लोवेस्ट लेवल वाला हेड रहेगा वो अलग अलग सुपरवाइजर्स को बात बताएगा। तो एक प्रॉपर चैनल रहेगा कम्युनिकेशन का, तो मैनेजमेंट के लिए वो हेल्पफुल होगा। इसमें आप ये चीज़ भी पुटअप कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, दैट इज़ संप्रेषण की प्रमुख विचारधाराओं को संक्षेप में लिखिए। आपको शॉर्ट में क्या लिखना है, वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस के अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें आपको डिस्कस करना है, या थ्योरीज जो होती हैं कम्युनिकेशन की उन्हें आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावशाली संदेश वाहन में क्या आवश्यक तत्व या सिद्धांत हैं, एक्सप्लेन द असेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक बेहतर कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ये आपको इसमें इस क्वेश्चन में आपको बताना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, ऐसा कम्युनिकेशन करना चाहिए जो समझ में आए, अंडरस्टूड हो, है ना, आपको समझने योग्य होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए बोलने में, है ना, लैंग्वेज सेम होनी चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है ना, लैंग्वेज सेम होना चाहिए। तो इस तरीके के पॉइंट्स जो हैं आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जो कि डेफिनेटली मिल सकता है, दैट इज संप्रेक्षण की प्रमुख बाधाएं बताइए तथा उन्हें दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। दैट इज व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते समय क्या क्या बाधाएं आ जाती हैं, क्या क्या लिमिटेशंस आ जाती है, ये आपको बताना है। एंड गिव द सजेशन टू इम्प्रूव इट, और आपको सजेशंस देने हैं इसके सुधार के लिए है। ठीक है, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, ऊपर हमने डिस्कस भी किया कि किस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है, इसमें बाधाएं क्या आ सकती हैं, जैसे कि मैंने बोला कि लैंग्वेज सही होना चाहिए, सामने समझने योग्य होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम एक बैरियर है। कभी कभी हम बोलते कुछ और हैं और सामने वाला समझ कुछ और जाता है ना, लैंग्वेज का इशू आ जाता है कभी कभी। सो ये जो है बैरियर है जिन्हें आपको डिस्कस करना है। यहाँ पे
होते हैं हमारे यूनिट फोर्थ के क्वेश्चंस जो हैं खत्म, दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। अब जो है हम बात करते हैं यूनिट फिफ्थ की, जिसमें दिया हुआ है आपको लिखित व्यावसायिक संचार का अर्थ, लाभ, दोष एवं महत्व का वर्णन कीजिए। कॉलेज में एक चीज़ बहुत जो ये है कि वहाँ पे पूरा का पूरा आपको चैप्टर ही पूछ लिया जाता है ना, पूरा का पूरा टॉपिक ही। अब आपको रिटन कम्युनिकेशन पूछा है, उसमें लाभ भी बताना है आपको, एडवांटेज भी डिस्कस करना है, उसके डिसएडवांटेज भी डिस्कस करना है और उसके इम्पोर्टेंस को भी बताना है। ओके, तो ये बहुत खासियत है। जब 11th 12th में रहते थे तो सिंपल आ जाता था, एक्सप्लेन व्हाट इज़ रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई भी एक चीज़ पूछ ली जाती थी मेरिट्स। लेकिन कॉलेज स्तर पर जो है आपको मैक्सिमम चीज़ें पूछते हैं, डेफिनेटली मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं। सो आपको यहाँ पे लिखना है व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स मेरिट, डीमेरिट्स एंड इम्पोर्टेंस। क्या होता है रिटन कम्युनिकेशन? ऐसा कम्युनिकेशन जो कि रिटन फॉर्म में होता है, लिखित फॉर्म में होता है, दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। इसकी अपनी एडवांटेजेस होती हैं, डिसएडवांटेजेस होती हैं, जो आपको डिस्कस करना है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ व्यावसायिक पत्र की क्या आवश्यकताएं हैं। ओके, यह कितने प्रकार के होते हैं, एक अच्छे व्यापारिक पत्र के गुण या लक्षण समझाएं। इसमें अगेन आपको बहुत कुछ पूछ लिया गया है, जैसे हम एक एक करके समझते हैं। डिस्कस द नीड ऑफ बिजनेस लेटर। सबसे पहले बिजनेस लेटर यानी व्यावसायिक पत्र की ज़रूरत क्यों है वो आपको लिखना है। व्हाट आर इट्स टाइप्स, बिजनेस लेटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, जैसे सर्कुलर हो गया, ऑर्डर हो गया, सप्लाई हो गया, ये अलग अलग टाइप्स हैं, उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। फिर व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर, एक अच्छा बिजनेस लेटर लिखने के लिए क्या क्या पॉइंट्स जो हैं हमें कंसिडर करना चाहिए, ये आपको इस क्वेश्चन में मैंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, आदेश एवं पूर्ति पत्रों को समझाएं। एक्सप्लेन ऑर्डर एंड सप्लाई लेटर, दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर। ठीक है, मौखिक संदेश वाहन से क्या समझते हैं आप, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है, क्या है जो आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन होगा। अभी तो सिंगल हैंड है, आप जब देखेंगे तब आपको वो जो कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी ड्यूअल। एंड ये क्या है, ओरल कम्युनिकेशन बाय वे ऑफ वर्ड्स, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि यूनिट फिफ्थ का लास्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार का अर्थ, महत्व एवं प्रकार समझाइए। डिस्कस मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। ओके, आपको इंटरव्यू एक्चुअली क्या होता है, इम्पोर्टेंस और टाइप्स, जो कि बहुत आसान है। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट यूनिट के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, दैट इज संप्रेक्षण के आधुनिक साधनों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन मॉडर्न सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जो मॉडर्न सोर्सेस हैं उसको आप एक्सप्लेन करिए। और इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है, भूमंडलीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय संचार साधनों पर एक लेख लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ है, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, क्वेश्चन मार्किंग के ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल बी शॉर्ट और लॉन्ग। आपको एक नोट लिखना है, वो काय पे, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन अडॉप्टिंग टू ग्लोबल बिजनेस। ठीक है, कि ग्लोबल बिजनेस में इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट है वो आपको इसमें मेंशन करना है। ओके, सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन क्या है, आधुनिक व्यवसाय में सोशल मीडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन मॉडर्न बिजनेस, क्या सोशल मीडिया रियली इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न बिजनेस में, क्या आपको लगता है? डेफिनेटली हम देखते हैं कितने ही बिजनेस जो हैं आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे हैं, है ना, हमारे मैक्सिमम काम जो हैं वो ऑनलाइन हो जाते हैं। सो आपको आज के जो बिजनेस हैं उसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है, कितना रोल है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे सभी यूनिट्स के क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किया।
डेफिनेटली इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में कवर होंगे, तो इनको आप अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यदि किसी की डीलिंग में आपको दिक्कत जाती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ यूनिट्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन जो हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए गए हैं, तो उसको आप डिटेल वॉच कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो इस तरीके से आप प्रिपेयर करिए आपके एग्ज़ाम के लिए, एंड रेस्ट जो है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।